नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज, आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एलएसी पर सामान्य हो रहे हालात, चीन ने उखाड़े अपने तंबू, पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते के कुछ दिन बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। क्षेत्र में दोनों ओर से एक एक तंबू तथा कुछ अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया था। भारतीय सैनिक चार्टिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ लगभग 10 से 12 अस्थायी ढांचे और 12 टेंट हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। गुरुवार को चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। सूत्रों ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद अगले 4-5 दिनों में देवसांग और देवचौक में गश्त फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने 21 अक्टूबर को घोषणा की थी वह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करने के समझौते पर पहुंच गया है, जिसे 4 साल से अधिक समय चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक बड़ी सफलता मिली है। मई 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हिंसक टकराव के बाद गतिरोध शुरू हुआ था। चीन ने भी अगले दिन इस समझौते की पुष्टि की। बीजिंग ने कहा कि प्रशासनिक मामलों पर एक समाधान हो गया है और वह इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि आगे चलकर उनका देश इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बता दें कि सीमा पर सैनिकों की वापसी से दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति सी चिनफिंग की ने कजान में ब्रिक्स सम्मेलन शिखर के दौरान मुलाकात की और इस समझौते का समर्थन किया। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए, जिससे संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास का संकेत मिला। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले हुआ समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर बनी सहमति से 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। ये महत्वपूर्ण घटना 22 से 23 अक्टूबर को हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले सामने आया था। 5 साल में पहली बार हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और सीमा संबंधित मामलों पर मतभेद को सीमा पर शांति और स्थिरता को भंग न करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सी चिनफिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए सुझावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।